हेलो फ्रेंड्स, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के डाला था कि बेसिकली आईटी में क्या काम होता है। तो उस वीडियो में मैंने ग्राफिकली आपको बताया था कि एनिमेशंस के थ्रू कि कोई पर्सन हो जो किस तरह से आईटी ज्वाइन करता है, कौन कौन से सर्टिफिकेशंस कोर्स है, क्या है। तो उसके नीचे भी बहुत सारे बंदे ने मुझे कमेंट किया कि एग्जैक्टली आईटी मतलब होता क्या है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मैंने उस टाइम बताया था कि आईटी का वर्क फ्लो किस तरह से होता है। लेकिन वहाँ पर कमेंट्स देख के ऐसा लगता है कि आपको एग्जैक्टली आइडिया नहीं मिली कि एग्जैक्ट आईटी है क्या, क्योंकि वीडियोस मैंने 2 मिनट का शूट किया था और उस 2 मिनट में वो सारी बातें एक्सप्लेन करना मुश्किल है गाइस कि एग्जैक्टली पूरा टर्म्स क्या है, क्योंकि वर्क फ्लो बताया था मैंने एनिमेशंस के थ्रू कि किस तरह से आईटी का वर्क फ्लो होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा बेसिकली आईटी है क्या। तो आईटी में बेसिकली बहुत सारे ब्रांचेस जो इंक्लूड है। फर्स्टली आपको आईटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के रिलेटेड जितने भी ब्रांचेस है वो आईटी में आती है। इसमें आपका डेवलपमेंट आता है, आपका कोडिंग आता है, स्क्रिप्टिंग की ब्रांचेस आती है, जो डेटाबेस एसक्यूएल या फिर जो भी जॉब्स होते हैं रिलेटेड वो आते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आईटी में आता है, डिजिटल क्लाउड कंप्यूटिंग आईटी में आता है। ये जो सारी ब्रांचेस है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आईटी में आता है, एंड्रॉयड डेवलपमेंट आईटी में आता है। तो ये जो सारी ब्रांचेस है जो रिलेटेड विद स्क्रिप्टिंग या फिर कोडिंग या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट जिसको IMS कहते हैं, तो सारा बंच एक जगह पे आता है, उसको हम बेसिकली बोलते हैं आईटी। तो आईटी का एक इंजीनियरिंग का अलग से कोर्स है जिसमें सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है, या फिर आफ्टर डिग्री जैसे कंप्यूटर हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, तो ये डिग्री कंप्लीट करके आप किसी भी एक फील्ड को, जैसे मैंने 10-12 फील्ड बताई, तो इसमें से किसी भी एक फील्ड का सर्टिफिकेशंस करके आप उस फील्ड में जा सकते हो और उसके बाद आप एज आईटी पर्सन बोल के वहाँ पे काम कर सकते हो। तो कोई डिफ़िकल्ट नहीं है आईटी को ज्वाइन करने, क्योंकि आईटी में थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड्स ब्रांचेस है, इतनी ब्रांचेस भरी पड़ी है, इतने जॉब्स है मार्केट में। सिंपल सा स्ट्रक्चर से आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कॉलेज कोई डिग्री कोर्स कर लो छोटा सा 6 महीने का और उसके बाद आईटी ज्वाइन कर लो। आगे चल के 2-4 साल बाद आपका करियर माइंड हो सकता है कि बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी। बहुत सारे लोग हैं जिनको फ्रेशर्स को 6-7 लाख का पैकेज मिलता है। सो 4-5 साल वेट करने की भी ज़रूरत नहीं, लेकिन एवरेज की बात करेंगे, मैं 80% लोगों की बात कर रहा हूँ, नॉट 20%। तो उन 80% के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल होता है स्टार्टिंग में, लेकिन आगे चल के ग्रोथ या स्टेबिलिटी अच्छी मिलती है। तो होप इस वीडियो में इतने गाइस, कुछ क्वेरी कमेंट डाउट्स हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, और फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच अगेन, बाय बाय।